सरकारी राशन दुकानों से मिलने वाले गेहूं की कालाबाजारी के मामले में क्राइम ब्रांच, खाद्य विभाग और अन्य विभागों के द्वारा संयुक्त रूप से कृषि उपज मंडी स्थित एक गोदाम में छापामार कार्यवाही की गई है। सरकारी राशन दुकानों से मिलने वाले गेहूं की कालाबाजारी के मामले में खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने खाद्य विभाग के साथ ही कृषि उपज मंडी जबलपुर में स्थित गुजराल ट्रेडर्स के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान गोदाम में सरकारी गेहूं की बोरियां बरामद की गई। पुलिस और खाद्य विभाग द्वारा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में राशन के गेहूं की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जाता है कि जाकिर हुसैन वार्ड की शासकीय राशन दुकान से राशन का गेहूं लाकर दलालों के माध्यम से बेचा जा रहा था। इस मामले में पुलिस और खाद्य विभाग ने गोदाम में गेहूं की बोरियां पहुंचाने वाले रियासुद्दीन नामक एक शख्स से पूछताछ शुरू कर दी है। रियासुद्दीन ने स्वीकार किया है कि वह पिछले एक माह से दलाल के माध्यम से सरकारी गेहूं को बेचने का काम कर रहा था। नागरिक आपूर्ति निगम जो इशू सेंटर है जिससे माल दुकानों में पहुंचता है उनको बुलाया है, उनसे मिलान कराएंगे। अगर गेहूं पीडीएस का है, मंडी सचिव को भी बुला रहे हैं कि इस ट्रेडर्स में कितना स्टॉक होना चाहिए था वो जानकारी दें, उसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस वालों ने बताया कि और एक व्यक्ति है, उसका नाम रियाजुद्दीन है, उसने ये बताया कि दुकान जो 271 नंबर दुकान है जाकर हुसैन वार्ड में, उसके हितग्राहियों से और आसपास के हितग्राही जो राशन दुकान से गेहूं ले लेते हैं और फिर उनसे खरीद करके वो बेच के मंडी में लाता है, ऐसा उसने स्टेटमेंट अभी प्राथमिक रूप से दिया है। हम पब्लिक से खरीदते गेहूँ 10 रुपये 12 रुपये और ख़रीद के इकट्ठा करके हम बेचते हैं दलाल थ्रू। दलाल का नाम है तारिक इमरान, भतीजे की दुकान है। भतीजे की दुकान से नहीं, उधर बहुत सी दुकानें हैं जहाँ से पब्लिक हमको ला के देती है। दुकान जाकिर हुसैन वार्ड में है। भतीजे की, भतीजा बॉम्बे गया हुआ है 3 दिन से। ये कब से हो रहा है काम? ये अभी महीना भर हो गया। हाँ, 50 से ऊपर नहीं आती है ऑटो में। अभी तक कितनी बोरी दे चुके हैं आप यहाँ पर? 70-80 बोरी। पुलिस के मुताबिक गोदाम सत्येंद्र पाल सिंह गुजराल नामक व्यक्ति का है जो फिलहाल मौके से फरार है। पुलिस का कहना है कि खाद्य विभाग और संबंधित विभागों द्वारा गोदाम में रखे गए गेहूं की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में विधिवत कार्यवाही की जाएगी। इधर ऐसी चर्चा है कि गोदाम संचालक एक पूर्व विधायक का करीबी रिश्तेदार है, हालांकि संबंध में पुलिस द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है।